नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। कटनी वेंटिलेटर की कमी और प्रबंधन पत्राचार कर पिट्ठ ही थपथपा रहा। एम केयर फंड से लगने वाले वेंटिलेटर का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। बात करें कटनी जिले की, तो यहाँ भी पीएम केयर्स फंड से 2 वेंटिलेटर्स मिले हैं, लेकिन अभी तक इंस्टॉल नहीं हो पाए। कटनी जिला अस्पताल में कुल 5 वेंटिलेटर है, जिनमें से 4 वेंटिलेटर कोविड आईसीयू में लगे हुए हैं। वेंटिलेटर ऑपरेशन थिएटर के हवाले है। ऐसे में दूसरे मर्ज के गंभीर मरीजों के लिए एक भी वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के मुताबिक उन्होंने पीएम केयर्स फंड से मिलने वाले वेंटिलेटर के इंस्टॉलेशन के लिए कंपनी को कई बार पत्र लिखा है, लेकिन अभी तक कंपनी ने वेंटिलेटर उसको इंस्टॉल नहीं कराया है, जिसके चलते एक बड़ी परेशानी बनी हुई है। उनके मुताबिक दूसरे रोगों के गंभीर मरीजों के लिए उनके पास एक भी वेंटिलेटर नहीं है। आपको बता दें कि कटनी जिले के जिला अस्पताल पर 5 जिलों के मरीजों का बोझ है। ऐसे में प्रशासन की लापरवाही लोगों के लिए बड़ा खामियाजा बन सकती है। आईसीयू इंचार्ज डॉक्टर सजन्य शिवहरे ने आंख बंद वेंटिलेटर की गिनती करा डाला और सीएमएचओ डॉक्टर प्रदीप मुड़िया ने अभी सिर्फ 5 से 7 वेंटिलेटर होने की बात कही, जबकि कटनी जिला अस्पताल पर नजदीकी जिलों की भी जिम्मेदारियां रहती। हर ऐसे में और अधिक वेंटिलेटर की जरूरत जिला अस्पताल को है। पीएम केयर फंड से मिला वेंटिलेटर का इंस्टॉल न होना यह एक बड़ी चूक कही जा सकती है, जिसका दर महामारी में गंभीर मरीजों का होना। कहीं न कहीं डॉक्टरों को यह सुविधा की दरकार है। संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी, कटनी। बोलते कि हम कर देंगे जल्दी, हम भी लगे कोशिश में, जल्दी हो जाए। अच्छा, ज्यादातर मरीजों को कटनी से रिफर किया जाता है, ऐसा क्यों परंपरा बनी हुई है, हर मामले में रिफर किया जाता है मरीजों को? नहीं, मेरी व्यक्तिगत जानकारी के हिसाब से तो जो पेशेंट जहाँ पे डील होते हैं, हम लोग तो जनरली कोविड में भी, कोविड सिनेरियो में भी है, तो बहुत कम रेफरल हुए हमारे यहाँ से जो है। एनवीआईजी व नॉन एनवीआईजी मिला के 5 वेंटिलेटर थे, इसमें से 3 नॉन एनवीआईजी हैं और एक किस्म हाई फ्लो है। ओवरऑल 2 बाई पैप हैं, 1 सी पैप है, 1 हाई फ्लो है, 4 ये है। और जो पीएम केयर फंड के जो वेंटिलेटर है, अभी वो इंस्टॉल नहीं हुए, क्योंकि वो भोपाल उसके लिए जो भेजा गया है लेटर, तभी वो इंस्टॉल हो जाएगा। बट स्टिल वी हैव 4 वेंटिलेटर, आई मीन नॉन एनवीआईजी, एंड दे आर वर्किंग। एक पेशेंट को अभी लगा रहे हैं बाइक, उसका रिस्पॉन्स बढ़ जाए। एक पेशेंट और है जिसको लगता है ऑन ऑफ, लगाते हैं आधे घंटे बाद निकाल लेते हैं, फिर लगाते हैं जब, तो कुल मिलाकर वैसे हमारे पास कुल 4 नॉन वेजी वेंटिलेटर हैं, एंड दे आर इफेक्टिव एंड देर फंक्शनल। आई मीन इधर टोटल 4 वेंटिलेटर अपने पास है ना, चालू है? हाँ, यहाँ पर कोविड वार्ड में 2 है, एसएसएल वार्ड में 1 है और 1 एसएसएल वार्ड नीचे में है। यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे 4 हैं। कोविड ऊपर कितने हैं? कोविड वार्ड में 2 हैं, कोविड वार्ड में 2 वेंटिलेटर वहाँ रखे हुए हैं। हाँ, नॉन इन्वेजिव ठीक है। और सर, ये पीएम फंड से कितने वेंटिलेटर आए थे? दो आए थे दोनों। देखिए, मेरी पोस्टिंग यहाँ पर अप्रैल में हुई है, तो उसका हमें पता नहीं कब आए हैं, लेकिन 2 हैं जो मेरे नॉलेज में है। जैसा कि अभी आपने बोला, 4 यहाँ पे लगे हुए हैं। हाँ, 2 ऊपर हैं, 2 कोविड वार्ड है ना। तो इन ऑल टोटल जिला अस्पताल, कटनी जिला अस्पताल है, इस मुख्यालय के अस्पताल में कुल कितने वेंटिलेटर लगे हुए हैं? हाँ, 4 यहाँ हो गए कोविड वार्ड में, 1, 2, 3 मान लिए आप इसको, 7 आइसोलेशन वार्ड में, 1 सारी वार्ड में, 1 9, टोटल 9 हो गए। 9 वेंटिलेटर है यहाँ पे कटनी जिला अस्पताल में, सब चालू है? हाँ, सब। क्या नाम है आपका सर? डॉक्टर संजय शिवहरे जी। सर, डॉक्टर संजय शिवहरे। किस पद पर हैं आप? मैं एनएससी से लगी हूँ। एनएससी से देखते हैं आप? ओके, थैंक यू।